गुड इवनिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो सुबह हमने गणित का तीसरा पार्ट पढ़ा था, वीडियो जो चैप्टर नंबर 2 का था। अभी हम साइंस में एनसीईआरटी में हमने शुरू किया था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि एनसीईआरटी की बुक का पहला चैप्टर है। लेकिन आरबीएससी में वापस 10वीं का जो आरबीसी की बुक ही रहने वाली है, इसलिए हमारा जो आरबीसी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम पढ़ रहे थे, तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन होता है वो हमारा होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों में क्या अंतर है, या इसमें हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते, जबकि रासायनिक संगठन में पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, जबकि रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात इसमें नया पदार्थ भी नहीं बनता है। और क्या हो सकता है, ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो पदार्थ का आकार, पदार्थ का रंग, यानी कि जो पदार्थ का रूप, रंग रूप है, या पदार्थ की अवस्था है, अवस्था ठोस द्रव गैस, या आकार या रंग, ये सारे के सारे गुण बदलते हैं, लेकिन उनके रासायनिक परिवर्तन में कोई प्रकार का जो बदलाव होता है वो नहीं होता है। इसमें कोई भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। जो पदार्थ पहले है वही पदार्थ बाद में भी रहता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। जैसे देखो, इसके एक उदाहरण देखें तो उदाहरण में कागज का फटना, हमने कागज को फाड़ दिया तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है। कागज के बड़ा आकार था, आकार छोटा हो गया, उसके गुण हुए के वही है, इसलिए अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा होता है चौक का टूटना, पानी का बर्फ बनना। अब आप कहोगे कि पानी से बर्फ बन गया, लेकिन जो गुण पानी के हैं वही गुण बर्फ में है, कि जो तत्व पानी में थे वही तत्व बर्फ में भी है, तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब बर्फ को ठंडा करेंगे, बर्फ को वापस गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। पानी को ठंडा किया तो बर्फ बन गया था। यदि पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगी, वाष्प को ठंडा करेंगे तो वापस पानी बन जाएगा। तो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वो सारे के सारे परिवर्तन क्या, कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं केवल और केवल। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें पदार्थ के
भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते ही हैं, उनके साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। ये परिवर्तन स्थाई होते हैं, यानी कि एक बार होने के बाद में वापस संभव नहीं है। जैसे दूध से दही बनना, जब एक बार दूध से दही बनाए, दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा होता है लोहे पर जंग लगना, दूसरा होता है लोहे पर जंग लगना। इसी प्रकार तीसरा है सब्जी का खराब होना, यानी कि जो हमने सब्जी बना रखी है, बनी सब्जी का खराब होना, वो भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। वापस सब्जी खराब हो जाती बनी हुई, तो वापस वो ठीक इनकी सही नहीं हो सकती है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पूछे जाते हैं काफी बार कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि इसमें भौतिक गुण बदलते हैं और रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, लेकिन इसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बन जाता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब इसमें परिवर्तन का कारण होता है, जो परिवर्तन का कारण है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाते। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो परिवर्तन का कारण है, उस परिवर्तन के कारण को हटा देंगे। जैसे मैंने रबड़ था, रबड़ को मैंने खींचा नहीं, उस बल लगाया, खींचा तो लंबा हो गया। जैसे ही मैंने इसका रबड़ खींचने का, तो मैंने बल लगाया था, बल को हटा दिया, तो वापस वो अपने धीरे धीरे अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि परिवर्तन का कारण, जिस कारण परिवर्तन हुआ था, उस कारण को हटा देंगे तो वापस वो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आए, ये कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो हमारा इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। आप एक बार इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हमने रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होते हैं, रासायनिक सामान्य इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। अब आज हम तो ये पढ़ लिया था अपनी, अभी हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। अब क्या होता है कि हमारा जो रासायनिक समीकरण की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में लिखना या उसके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ये हमने पढ़ा था। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम या चरण, रासायनिक समीकरण लिखने के प्रमुख चरण, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है या पूछा भी गया है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए या सविस्तार समझाइए। तो विज्ञान में हमेशा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि पीछे वाले क्वेश्चन जो अभ्यास प्रश्न है वही आए, क्योंकि कोई भी प्रश्न बना के विज्ञान में पूछा जा सकता है, और विज्ञान का यही अर्थ होता है कि क्या और क्यों, तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।
रासायनिक समीकरण लिखने के प्रमुख चरण क्या कहते हैं? तो सबसे पहला चरण होता है वो होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को लिखकर उसके बाद तीर का निशान लगाकर उत्पादों को लिखा जाता है। इनकी पहला नियम होता है कि जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन अभिकारकों को लिख करके उसके बाद में तीर का निशान लगाया जाता है और उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है कि जो नया पदार्थ बना उसको लिखा जाता है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, मेरे पहले वीडियो में परिभाषा लिखा रखी है। जिसको नहीं पता है वो पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। जैसे इसका हो गया क्या नियम है, तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, एक बार इसको वापस लिख देता हूँ कि अभिकारक तीर का निशान उत्पाद, ये हमारा हो गया इसका पहला नियम। ये पहले अभिकारक लिखेंगे, फिर तीर का निशान लगाएंगे, फिर उत्पाद लिखेंगे। दूसरा नियम है यदि दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद है तो उनके मध्य धन यानी कि प्लस का चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं यानी कि यदि दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद है तो उनके मध्य धन इनकी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक अभिक्रिया लिखता हूं मैं CO2 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक है यहां पर, तो दोनों के बीच में धन का निशान लगेंगे। इस प्रकार से यहाँ दो अभिकारक दो उत्पाद बनेंगे तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो जैसे यहां मैंने अभिक्रिया लिख दी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया है, अभिकारक है ये दोनों, और ये है इनका नया उत्पाद। इनकी जब कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई गई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो इस प्रकार से दूसरा नियम हो गया कि दो या दो से अधिक अभिकारक के उत्पाद है तो उनके मध्य धन का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा नियम आता है इसका, वो आता है हमारा कि जो ये अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का क्षय होता है, अर्थात ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें न ही तो किसी प्रकार का द्रव्यमान पैदा होता है, इनकी बढ़ता या अपने आप कोई द्रव्यमान नहीं होता है। जो द्रव्यमान उसके अणुओं का है वही द्रव्यमान अणुओं सामने सामने वापस उत्पाद के अणुओं का भी रहेगा। दोनों तरफ के जो द्रव्यमान होते हैं उनमें न तो किसी प्रकार के द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही क्षय होता है। जितना द्रव्यमान हमने अभिकारकों का लिया था उतना द्रव्यमान हमें उत्पादों का मिलेगा, न तो घटेगा न बढ़ेगा। तो इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि तो हमें पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन से नियम का पालन करती है, तो रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। फिर अगला इसका चौथा नियम है वो है, इससे पहले आप एक बार इसको लिख लीजिए, यदि आपको लिखना है तो आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो हमने तीन नियम पढ़ लिए, चौथा नियम होता है इसका कि चौथा नियम होता है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों में अणुओं की संख्या घटा या बढ़ाकर अभिक्रिया या समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। इस विधि को अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। यानी कि क्या होता है कि रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें हम अभिकारकों या उत्पादों में जो अणुओं की संख्या होती है उसको घटा या बढ़ा करके हम अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। संतुलित का मतलब होता है कि जितने अणु अभिकारक में है उतने ही अणु उत्पादों में भी होने चाहिए। तो उस प्रकार जो बराबर अणुओं की संख्या होती है उसे हम संतुलित समीकरण कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अभी कि कैसे होते हैं। इस विधि को जो घटा बढ़ा कर जो संतुलन करने की विधि होती है, इस विधि का एक नाम तो होता है अनुमान विधि, दूसरा नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। और काफी बार प्रश्न पूछा जाता है हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, तो आपको बताना है कि हिट एंड ट्रायल विधि रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की एक विधि है। पांचवा नियम आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य पदार्थ के तत्व को संतुलित किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो पांचों नियम है, इस नियम में खास बात ध्यान रखनी होती है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में एक कोई भी हाइड्रोजन के परमाणु भी हो सकते हैं या ऑक्सीजन के परमाणु भी हो सकते हैं या फिर अन्य परमाणु हो सकता है। जब संतुलन करेंगे तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उनको नहीं छेड़ना है, उनको सबसे लास्ट में संतुलन करना होता है। सबसे पहले इन दोनों के अलावा जो भी अणु होगा, जो भी परमाणु होगा, उसको हम संतुलन करते हैं। जैसे इसका उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास C3H8+O2 अभिक्रिया CO2+H2O। अब इस अभिक्रिया में आपको देखना असंतुलन है या असंतुलन में बता देता हूं। देखो यहां पर कार्बन के तीन परमाणु हैं और यहां पर कार्बन का एक परमाणु है, यहां हाइड्रोजन के आठ परमाणु हैं, यहां हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यहां ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहां ऑक्सीजन दो, यहां दो और एक, ये तीन परमाणु है। मतलब इधर कार्बन तीन है, इधर कार्बन एक है, तो संतुलन नहीं हुआ क्योंकि दोनों तरफ कार्बन बराबर होना चाहिए। चाहे इन दोनों को जोड़ के देख लो, यहाँ कार्बन पूरे में एक ही है, पूरे में पूरे समीकरण में पूरे उत्पाद में देखना होता है कि कार्बन कितने हैं और पूरे अभिकार्बन देखना कार्बन कितने हैं। तो यहाँ कार्बन के तीन परमाणु है, यहाँ कार्बन का केवल एक परमाणु, तो इसका या जो हमारा समीकरण है वह संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम कार्बन का संतुलन करते हैं क्योंकि मैंने अभी लिखा है ऊपर लाइन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के शेष जो परमाणु दशा करते हैं। तो कार्बन का संतुलन करूंगा तो C3H8+O2 3CO2+H2O।
अब यहां से मेरे पास मैंने ये तीन आगे लिखा, इसका मतलब है कि ये तीन सीओ बन गया, तीन सी बन गया, थ्री सी बन गया, ओ टू को तीन से गुणा करोगे तो ओ सिक्स हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे अब कार्बन यहाँ भी तीन है, कार्बन यहाँ भी तीन है, तो कार्बन संतुलन हो गया। इसके बाद हम करेंगे हाइड्रोजन का संतुलन, तो हाइड्रोजन का संतुलन करेंगे तो लिखेंगे C3H8 अभिक्रिया C3H8+ O2 अभिक्रिया करके लिखेंगे 3CO2+ 4H2O। अब देखो 4 × 8 यानी 4 से 2 से गुणा करेंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 8 हाइड्रोजन थे। अब हमारे पास में शेष रह गया, वो रह गया है ऑक्सीजन का संतुलन। जब कार्बन का संतुलन हो गया, हाइड्रोजन का संतुलन हो गया, तब ऑक्सीजन का संतुलन करेंगे। तो ऑक्सीजन का संतुलन करने के लिए देखो यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर ये रह गया आपके 6 और यहाँ रह गए ये 4, 6 और 4 10 हो गए, क्योंकि 3 × 6 और 4 इसके साथ गुणा होगा, तो 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 4 O2 हो जाएंगे, 3 और 2 ये 3 × 6, 4 और 6 10 अणु हैं, और यहाँ पर कितने हैं 2 अणु हैं, तो इसको संतुलन करेंगे हो जाएगा C3H8 5O2 अभिक्रिया करके 3CO2+4H2O। अब हम इसको देखते हैं, तो इसको देखने से पता चल रहा है, देखो यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ भी कार्बन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन के 10 है, तो 3 × 6 और 4 10, तो सब में बराबर हो गया, तो इस समीकरण को हम कहते हैं संतुलित समीकरण। तो ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। ये थे 5 नियम थे। छठा नियम आता है कि जब समीकरणों को संतुलित कर लिया जाता है तो उसके बाद अगला जो छठा नियम वो क्या है, पहले आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो छठा नियम आता है कि जब समीकरण को संतुलित कर लिया, तो समीकरण को संतुलन करने के बाद अभिकारक तथा उत्पादों की अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाया जाना चाहिए। यानी कि जब हमारा समीकरण पूरी तरह से संतुलित हो गया तो उसकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना चाहिए। भौतिक अवस्थाएं मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि भौतिक अवस्थाएं यदि ठोस है तो हम उसके साथ में कोष्ठ में लिख देंगे एस इन सॉलिड, यदि द्रव है तो कोष्ठ में लिख देंगे लिक्विड एल, और यदि गैस है तो उसके साथ लिख देंगे जी इन गैस, और यदि जलीय विलयन है कोई भी तो उसके साथ हम लिख देंगे AQ एक्वस। इनकी हमें ये मुख्यतः 4 अवस्थाएं दर्शनी होती है समीकरण के अंदर। जैसे कि मैंने अभी लिखा था C+O2CO2, तो सी कार्बन है, कार्बन कैसा होता है ठोस, तो एस। ऑक्सीजन गैस होती है तो गैस, और CO2 क्या होती है, CO2 भी गैस होती है तो गैस। तो इसके साथ मैंने कोष्ठक में एस लिख दिया मतलब ठोस है, यहाँ कोष्ठक में जी लिख दिया मतलब गैस है, यहाँ भी जी लिख दिया गैस है, तो ठोस और गैस मिलकर वापस गैस का मिश्रण बनाया है। तो इस प्रकार से जो ये मैंने अवस्थाएं दर्शाई गई है, यही छठा नियम कहता है कि संतुलन करने के बाद में उसकी अवस्थाएं, यार ये समीकरण संतुलन, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, तो संतुलन करने के बाद में उसके साथ में उसकी अवस्थाओं को दर्शाना चाहिए। इसके बाद हमारा जो 7वां नियम होता है, वो 7वां नियम है कि जब अभिक्रिया, कभी कभी आपको पता है कि अभिक्रिया दोनों दिशा में संभव होती है, जब अभिक्रिया या जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दोनों दिशाओं में
संभव हो तो उसे इस प्रकार के डबल तीर के निशान से तीर के निशान से दर्शाते हैं। इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी कि जब कोई अभिक्रिया होती है, जैसे मैंने लिखा था यहां पर बर्फ और यहां लिख दिया मैंने पानी, अब मैंने ऐसा करके ये लगा दिया, ऐसा करके ये लगा दिया, और यहां से लिख दिया मैं बर्फ को जब गर्म करता हूं तो पानी बनता है, और जो पानी को मैं ठंडा करूंगा तो बर्फ बनता है। तो इस प्रकार से दोनों दिशाओं में संभव अभिक्रिया हो गई। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए इस तीर के निशान को लगाते हैं, यानी कि एक तरफ जिस तरफ तीर का निशान होता है उसकी कंडीशन उसके सामने लिखते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो पानी बनता है पानी का तीर इधर, पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बनता है तीर का निशान आधा इधर। तो इस प्रकार के जो तीर के निशान होते हैं वो दोनों दिशाओं को दर्शाते हैं कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संभव हो सकती है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में संभव है, यानी कि अभिकारकों से उत्पाद बनाया जाता है, उत्पादों से वापस अभिकारक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद में आता है आठवां नियम, एक बार आप लिख लीजिए, आठवां नियम आता है कि यदि अभिक्रिया में कोई तापमान या दाब, कोई भी जो आवश्यक ताप या दाब होता है उसको भी कोई ना कोई तो महत्व होता होगा। तो आठवें नियम का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक ताप व दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। यानी कि यदि रासायनिक अभिक्रिया उसमें आवश्यक ताप और दाब, कितना ताप चाहिए कितना दाब चाहिए, तो उसको हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे यहां से मैं लिखता हूं N2+3H2 2NH3, नाइट्रोजन गैस मिलकर के अमोनिया गैस का निर्माण करती है। तो नाइट्रोजन के दो अणु, हाइड्रोजन के तीन अणु मिलकर के दो अणु नाइट्रोजन गैस का निर्माण करती है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसमें कितना ताप लगा कितना दाब लगा, तो उस ताप और दाब को यहाँ इस तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं तो ताप लगता है इसमें 773 केल्विन और दाब लगता है 200 एटमोस्फेयर दाब। यानी कि इसमें 773 केल्विन में ताप मापने की कही है केल्विन, और यहाँ से 200 एटमोस्फेयर दाब लगता है। तो जो मैंने ये 700 लिखा है इसका मतलब हो गया कि इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए 773 केल्विन ताप चाहिए और 200 एटमोस्फेयर का दाब चाहिए, तभी यह अभिक्रिया संभव होगी। इसी प्रकार इसका नाइन्थ नियम आता है कि यदि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी है, तो यदि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी है तो धन या ऋण चिन्ह के साथ ताप दर्शाते हैं। यानी कि यदि कोई अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है या उष्मा का ग्रहण होता है तो ताप या दाब के साथ में लगाते हैं। जैसे अभिकारक उत्पाद प्लस ताप, इसका मतलब है
जब प्लस ताप है मतलब ये अभिक्रिया उष्मा का त्याग करती है, यानी कि जब अभिक्रिया होगी तो उष्मा का उत्सर्जन होगा। यदि देखा जाए अभिकारक अभिक्रिया उत्पाद माइनस ताप, इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, और कभी कभी इन ताप को इस प्रकार के त्रिभुज के निशान का बना करके छोड़ देते हैं तीर के ऊपर, तो जो त्रिभुज का निशान बनाता है ये भी ताप को दर्शाता है। लास्ट हमारा इस अभिक्रिया का संपन्न का नियम होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला, अभिक्रिया में काम आने वाला उत्प्रेरक को भी तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं, यानी कि कोई भी अभिक्रिया है उसमें कौन सा उत्प्रेरक काम आ रहा है, उस उत्प्रेरक को हम कहाँ लिखेंगे, तो उसको भी हम तीर के चिन्ह के रूप में ऊपर लिखते हैं। और उत्प्रेरक के बारे में मैंने पहले बताया था कि ये अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की गति को या तो तेज कर देते हैं या कम कर देते हैं। जैसे इसका उदाहरण लें तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी, यानी कि जो हमारे पास मार्केट में मिलता है जो वनस्पति घी होता है, तो वो वनस्पति तेल और हाइड्रोजन गैस के द्वारा अभिक्रिया कराई जाती है, तो उसे वनस्पति घी मिलता है। लेकिन कब मिलता है, जब हम उसमें निकिल उत्प्रेरक काम लेते हैं Ni, तो ये Ni लिखा मतलब इसका मतलब है निकिल उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए काम आता है। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण पढ़े। पहला चरण हमने पढ़ा था कि अभिकारकों और उत्पादकों के मध्य तीर का चिन्ह होना चाहिए। दूसरा कारण हमने पढ़ा, दूसरा नियम पढ़ा, यदि दो या दो से अधिक है तो उनके मध्य प्लस का निशान लगना चाहिए। तीसरा पढ़ा कि द्रव्यमान न तो बढ़ता है न घटता है। चौथा पढ़ा कि दोनों ओर की संख्याओं को घटा या बढ़ा कर हम संतुलन कर सकते हैं, और इस विधि का नाम हिट एंड ट्रायल पढ़ा या अनुमान विधि पढ़ा। पांचवा नियम ये पढ़ा था कि जब अभिकार या उत्पाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और अन्य परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अन्य परमाणु होता है उसको सबसे पहले संतुलन करेंगे, जैसे मैंने अभी कार्बन का किया था, फिर हाइड्रोजन का किया, फिर ऑक्सीजन का किया। उसके बाद में छठा नियम हमने पढ़ा था कि जब अभिक्रिया संतुलित हो गई है तो उसकी भौतिक अवस्था दर्शाई जानी चाहिए, जैसे ठोस द्रव और गैस। उसके बाद में सातवां नियम हमने पढ़ा कि जब अभिक्रिया दोनों दिशा में संभव हो सके तो उनके मध्य तीर का निशान कैसा लगाना चाहिए। उसके बाद हमने आठवां नियम पढ़ा कि जब अभिक्रिया में कितना आवश्यक ताप या दाब है उसको कहाँ लिखना है, तो तीर के निशान के ऊपर लिखना है। नवां नियम हमने ये पढ़ा था कि जब अभिक्रिया उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है तो क्या दर्शाएंगे, तो उष्मा क्षेपी के लिए प्लस लगा करके उष्मा लिखी जाती है, और उष्मा शोषी इनकी उष्मा ग्रहण करती है तो माइनस लगा के उष्मा लिखी जाती है, और उस उष्मा को हम कभी कभी छोटे से त्रिभुज का तीर के बनाकर दर्शाया जा सकता है। और लास्ट नियम पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेना उत्प्रेरक है वो कहाँ लिखेंगे, तो उस उत्प्रेरक को भी हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। और इस प्रकार से हमने आज पढ़ा केवल कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और इसके कौन कौन से प्रमुख चरण है इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें यदि चैनल पर नए हैं तो। साथ ही साथ मित्रों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए जो प्रयास कर रहा हूँ वही प्रयास आपको मेरे लिए करने हैं, और प्रयास आपका यही रहना चाहिए कि जितना पढ़ाया गया है उसको सबसे पहले तो आप अच्छी तरह से पढ़ें, और दूसरा प्रयास आपको ये करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको भी एक बार नहीं दो बार देखो ताकि कोई भी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। यदि कोई चीज अच्छे से समझ में आ गई तो वापस उसको एग्जाम के समय
आसानी से हम रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।